Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely good. So if you can remember, in my last food vlog I mentioned about our upcoming Dhammakedar trip. So finally the time has arrived. Right now I am here at Damdam Airport, Kolkata, and we are all set to leave for Delhi. So our flight is at around 6:05 in the morning and I have some time in my hand and just waiting for another friend to join with me. Dekhte hai wo andar chala gaya hai ki abhi yahi bahar only wait kar raha hu. Subah subah ek hi problem rehta hai. इतना भीड़ रहता है सिक्योरिटी चेक इन पे कि पूछो मत, बहुत देर लाइन पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो मिट सुशोभन एक्चुअली बहुत पहले ही मेरे से बहुत पहले पहुंच गया था एयरपोर्ट। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली एंड बाकी के जो लोग हैं वो ऑलरेडी राजधानी में पिछले दिन बोर्ड कर चुके हैं। इस बार जो ग्रुप है, हम लोगों का टीम है, वो एक्चुअली 10 लोगों का टीम है। तो बहुत बड़ा टीम है एंड बहुत धमाकेदार होने वाला है। बाकी लोगों से आप लोगों को मिलवाता हूँ दिल्ली पहुँच के। दिल्ली का टेम्परेचर दिखा रहा है 22 डिग्री सेल्सियस एंड कलकत्ता में लास्ट 7 दिन में इतना बारिश हो रहा है कि पूछो मत। थैंक गॉड कि अभी दिल्ली का टेम्परेचर ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर द टेक ऑफ एंड एस्टिमेटेड अराइवल टाइम टू दिल्ली इज 2 आवर्स। फिंगर्स क्रॉस्ड इट शुड नॉट डिले। Done with our breakfast. सुबह सुबह गर्मा गर्म डोसा खा लिया मैं और शिशोवन ने। Now we are heading towards the nearby metro station to the airport. बाकी के जो 8 लोग हैं, वो राजधानी से within 1 hour they will reach. So their estimated arrival time is 10 and right now it's 9. तो अभी हाथ में 1 घंटा है, तो धीरे धीरे करके जाते हैं और बाद में उन लोगों से मिलते हैं। मेट्रो राइड हो गया। सो अभी हम लोग न्यू दिल्ली टर्मिनस के बाहर खड़े हैं। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ का जो मेट्रो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट लेवल है एंड द मेट्रो राइड वाज रियली फन। सो सुशोभन, डिड यू एंजॉय द मेट्रो राइड? या, इट वाज बेटर देन कोलकाता। बेटर देन कोलकाता? या, कोलकाता इज एन इमोशन बट यहाँ के लोग अच्छे से इसको मेंटेन किया है, ये इसका खासियत है। बेसिकली मतलब पूरा शहर मेट्रो से जुड़ा है, हमारे कोलकाता में बस एक ही रूट है। अभी तक राजधानी थोड़ा डिले पे चल रहा है, पहुंचे नहीं है लोग अभी तक। सो अभी 2 घंटे का मस्त सो गया था गाड़ी के अंदर। सो वी आर ऑन आवर वे टू हरिद्वार। रास्ते पे हम लोग झिलमिल फूड कोर्ट पे रुके हैं। लास्ट टाइम इफ यू कैन रिमेम्बर, जब हम 8 महीने पहले ओली आए थे हम लोग, तभी भी हम लोग यहीं पे रात 3 बजे रुके थे। तो दिमाग पे था कि अगर जा रहे हो तो ये जगह पे आके खाना ज़रूर खाना, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। मेरे साथ अभी बाकी 3 लोग हैं और बाकी 6 लोग पीछे एक अर्टिगा में आ रहे हैं, उन लोगों का आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स इंट्रोड्यूस विद सोविक, ही इज फीचरिंग फर्स्ट टाइम इन माई ब्लॉग। बहुत सुशोभन एंड सोविक, क्या ऑर्डर किया हम लोगों ने? हम लोगों ने ऑर्डर किया है, तो अभी हम लोगों ने ये भेज कमन थाली ऑर्डर किया। उधर देखो शुभजीत बाग, बंदे को तो पहचानते ही होंगे, मेरे साथ बहुत सारे ब्लॉग्स में था। तो फीलिंग ए बिट टायर्ड? नहीं, लंच के लिए घूमा हूँ बहुत। तो ये हम लोगों का थाली आ गया, दिस इज भेज कमन थाली। दाल दिया है, दाल फ्राई, पनीर, रायता, राइस और रोटी आ रहा है। तेरा खाना कब आएगा? पता नहीं, ऐसा ऑर्डर क्यों करते हैं जो लेट होता है? मुझे लगता है बाकी के लोगों को पहुंचते पहुंचते हम लोग का खाना खत्म हो जाएगा। दे आर सेइंग दे आर स्टिल लाइक 5 किलोमीटर्स बिहाइंड। सो बहुत भूख लगा है, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बाकी के लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं। मिट संजय, सप्तर्षि, रिजॉय, सौरभ, अनिरुद्ध, तुम लोगों का आने में तो देर क्यों हुआ? ड्राइवर मस्त था, व्हाट्सएप कर रहा था गाड़ी में व्हाट्सएप। और कुछ चाहिए? जो मंगवाना है मंगवा। सो लस्सी आ गया, लस्सी का साइज देखो, क्वांटिटी देखो, मुझे लग नहीं रहा है मैं पूरा खत्म कर पाऊंगा, लगता है मेरे को शेयर करना पड़ेगा। चीयर्स, तू खाली ग्लास से चीयर्स कर। इट्स टाइम टू रिवील व्हिच प्लेस वी आर गोइंग दिस टाइम। ओवर टू संजय।
lot of places like starting from Haridwar, then we'll be going to Kedarnath, Sri Yoginarayan, then Chokta, Tunganath, Chandrashila, Oli, Badrinath, Mana. There are a lot of places. And but the main attraction will be Kedarnath, right? No, everything. You can't compare these places. Yeah. This is our event. Last time हम लोग यहाँ से ओली जा रहे थे तो तभी हम लोग सोचे कि let's do पंच केदारनाथ. उस time winter था तो केदारनाथ हाँ बहुत सारा बंद भी था. केदारनाथ बंद था, बद्रीनाथ भी बंद था, तो सोचे कि चलो इस बार पंच केदार कर लेते हैं. तो इस बार पंच केदार हो जाएगा, तीन केदार इस बार हो जाएगा next time. और दो केदार बाकी है. ये एक्चुअली ब्लूप्रिंट तभी बना था जब ये फरवरी एंड के महीने में जब हम लोग ओली आए थे, तब प्लान बन रहा था, बट मैं बहुत लास्ट में एंट्री लिया. यू कैन से इट्स लाइक अ वाइल्ड कार्ड एंट्री. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. आई एम वेरी मच एक्साइटेड विद ऑल ऑफ दिस पीपल. हाउ मच आर यू एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिप? मुझे पता है बहुत सारे ट्रिप में तुम लोग थे, बट ये ट्रिप के लिए कितना तुम लोग एक्साइटेड एंड व्हाई? बहुत. 5 केदार्स कंप्लीट होगा, वो एक रीजन है, और इतना बड़ा ग्रुप है तो इसलिए गाड़ी में फिट होना मुश्किल हो रहा है. चार लोग है और 6-7 लगेजेस है, और पीछे डिक्की में भी इतना जगह नहीं है, तो कैसे भी करके फिट करना पड़ेगा. जस्ट रीच दैट हरिद्वार रामनिवास आश्रम. बीच में बहुत जैम मिला रास्ते में, उसी के लिए थोड़ा बहुत लेट हो गया. अभी जल्द से जल्दी गंगा के घाट पे जा रहे हैं, वहाँ जाके आरती देखना है. टाइम बहुत ही कम है, बोला कि 6-7 ये आरती का शेड्यूल है. अभी ऑलरेडी 6:25 हो गया, तो जितना हो सके हम लोग कवर करेंगे. तो हम लोग अभी ऑटो या टुक-टुक रिक्शा करेंगे. दौड़ना पड़ेगा, जस्ट दौड़ना. इट्स अ बैड लक दैट आरती बोल रहा है खत्म हो गया है. इसका टाइमिंग कुछ 6-6:30 बजे के अंदर होता है, तो वी रीच्ड अराउंड 6:30. सो मिलने का तो चांसेस नहीं है, फिर भी एक बार सवारी ले लेते हैं, पूरा जगह का एक बार चक्कर ले लेते हैं, देखते हैं. देयर इज अ कंफ्यूजन, कोई बोल रहा है 5:30 बजे स्टार्ट होता है, कोई बोल रहा है 6 बजे स्टार्ट होता है. मतलब यहाँ का लोगों को ही ठीक से पता नहीं कितने बजे होता है. मार्केट एरिया का भीड़ देखो. एज यू कैन सी, मैं गंगा का घाट के बहुत नज़दीक खड़ा हूँ, और यहाँ का पानी का जो फ्लो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, करंट बहुत ज़्यादा है. लोग यहाँ पे पूजा पुष्पांजलि दे रहे हैं, और ये संभल के, ये थोड़ा पूजा अर्चना हो गया होगा. आशीर्वाद दो, आशीर्वाद. ये हुआ ना बात, हो गया. चलो बैठने का एक जगह मिल गया. उधर दूर तक देख सकते हो कि लोग अभी भी पानी में नहा रहे हैं, एंड इधर पूजा अभी भी चल रहा है. तो बाकी के लोग अभी मंदिर के अंदर गए हैं, पर मैं यहाँ पे बैठ के ये नजारा देख रहा हूँ. फाइनली मैं जूता खोल के एकदम पानी के अंदर आ ही गया. बाकी के लोग भी थोड़ा बहुत फोटो शूट कर रहे हैं. यहाँ से फोटो व्यू अच्छा आ रहा है. उधर शुभजीत, सौविक, सप्तर्षि एंड रिजॉय आर वेविंग देयर हैंड्स टू अस. एंड ये देखो अनिरुद्ध, हाय. दिखाओ कहाँ पे खड़े हो तुम. जय गंगा माता की जय. तो अभी फोटो सेशन हो गया, तो हम लोग अभी घाट की तरफ जा रहे हैं. चलो धीरे से आ जा. तो अभी गंगा का किनारे में टाइम स्पेंड करना हो गया है. अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से जूता कलेक्ट कर रहे हैं. जूता सबमिट किया था, उसके बदले में टोकन भी मिला था. तो अभी हम लोग ये जगह को अच्छी तरह से थोड़ा बहुत घूमेंगे, और कुछ खाने का चीज़ भी खाएंगे. यहाँ का रबड़ी एंड पूड़ी सब्जी ये सब बहुत अच्छा मिलता है. लास्ट टाइम भी जब आए थे तो लाइक एकदम खा के दिल खुश हो गया था. सो दिल खुश हो गया देख के एकदम. बट एक्चुअली मेरे को नहाना था, ये देख के मेरे को लग रहा है. नहाने के लिए आगे बहुत जगह मिल जाएगा. यहाँ पे गंगा को गंदा कर दिया लोगों ने, आगे पूरा साफ मिलेगा. अभी जूता कलेक्ट कर लिया हूँ. अभी जूता पहनने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. रबड़ी वी कैन ट्राई राइट. अंकल रबड़ी है क्या? रबड़ी भी खत्म. ऊपर वो मिल्क का वो मलाई दिया ना. Thank you.
बाद दुकान का नाम आप लोगों को दिखा देता हूँ, सेवा राम शर्मा दूध वाले हरिद्वार पे। एंड ये 100 साल पुराना दुकान है, तो कभी भी आ रहे हो तो ये दुकान ये भाई सब को पहचान के रखो। मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अभी मैं ये रबड़ी का टेस्ट करूँगा। रबड़ी तो है नहीं, बट जो भी है वो मेरे लिए बहुत है। तो हरिद्वार के स्ट्रीट्स में थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम लोग एक बंगाली खाने का दुकान मिल गया। तो अभी हम लोग वहीं पे हैं। दुकान का नाम है पुराना दादा बोधी का होटल, सिचुएटेड एट हरिद्वार मोती बाजार। तो खाना बहुत रिजनेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आलू पोस्तो, ब्रिंजल फ्राई, राइस दाल एंड और भी आइटम्स आ रहा है। तो यहाँ पे आप पेट भर के खा सकते हो। थोड़ी देर पहले थोड़ा मिठाई भी खाया था, फिर भी भूख बहुत लग रहा है। खा के आप लोगों से मिलता हूँ। So done with our dinner. So me and Sovik were discussing among ourselves that literally we are confused enough that we are walking on the streets of Haridwar or Kolkata because there are so many Bengali people like walking here and there. Can you imagine? Just we are eating aloo pusto here with begun bhaja and that is also desi ghee. Yeah, we are coming on the streets of Haridwar and you are a Bengali. Then must visit this place is Dadabodi. Not biryani. Dadabodi, not biryani. Dadabodi hotel. Purana Dadabodi hotel. Yeah, featured on the streets of Moti Market. And second thing, बहुत ही पुराना होटल है। Like food is really good. Food is really good and reasonable. That said, आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। And tomorrow जल्दी उठना भी है। And we will be leaving for 3 जुगी नारायण। So मिलते हैं कल सुबह और ये पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। सुबह 5 बजे उठने का एक ही डिसएडवांटेज है, रास्ते पे चलते चलते आपको फिर से नींद आ जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर डे 1 जर्नी एंड टुडे इज डे 2 एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 3 जुगी नारायण फ्रॉम हरिद्वार। सो इट इज अराउंड 240 टू 250 किलोमीटर्स फ्रॉम हरिद्वार एंड रफली इट विल टेक 9 to 10 आवर्स एज टोल्ड बाय द ड्राइवर। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे रुके हैं, बाकी के लोग ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं और मैं नीचे यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ। पता नहीं क्या ऑर्डर किया। सौविक क्या ऑर्डर किया? तो यहाँ पे सब कुछ ही मिल रहा है, नॉर्मल प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। एक्चुअली इट्स नॉट अ ढाबा, इट्स अ रेस्टोरेंट बेसिकली। ड्राइवर भाई साहब ने वही बोला कि लंबा रास्ता है, इट विल टेक अवर 9 to 10 आवर्स। रास्ते पे कहाँ क्या मिलेगा कुछ पता नहीं, यहाँ पे पेट भर के खा लो। तो हम लोग का भी टारगेट वही है, लेट्स सी हाउ इट गोस। ये हम लोग का ब्रेकफास्ट आ गया, पूरी सब्जी और ये रोटी सब्जी, चार है पूरी सब्जी, इट्स गुड, अच्छा है। अभी जल्दी से जल्दी इसको मैं खत्म करता हूँ, रास्ते पे कहीं पे मिले ना मिले पता नहीं, हेवी ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। ठीक ठाक जो मिल रहा है जल्दी से जल्दी खा लो, वही बेटर है। सो आफ्टर हैविंग ए गुड अमाउंट ऑफ पूरी एंड आलू पराठा, इट्स टाइम टू हैव सम टी। चीयर्स चीयर्स। सो नेक्स्ट 7 दिन के लिए हम लोगों ने ये ट्रैवलर बुक किया है एंड ये देखिए पूरा आपका व्यू दिखाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें पुशबैक सिस्टम और लेग स्पेस दोनों बहुत है। सो इतना लंबा जैम में बिना टाइम वेस्ट किए एक हाइपर लैप शॉट लेते हैं। रेडी फॉर द शॉट, 1 2 3। सो रास्ते पे चलते चलते हम लोग रुक गए हैं क्योंकि बहुत ही लंबा जैम है। आपको दिखाता हूँ एक बार जैम का हाल क्या है। हम लोग का गाड़ी ये है, सब अंदर बैठे हुए हैं, जैम पीछे वहाँ तक है और आगे कहाँ तक है मेरे को दिख नहीं रहा है। रास्ते का काम चल रहा है उसके वजह से ये रीज़न है। शप्तर सी इज़ गेटिंग मैरिड विद इन 3 मंथ्स, सो ही इज़ कॉलिंग दिस ट्रिप एज दिस बैचलर ट्रिप, सो वी आर गोना एंजॉय द एंटायर ट्रिप विद हिम। रास्ते में इतना धूल है कि मुझे मास्क लगा के चलना पड़ रहा है एंड राइट नाउ एज़ यू कैन सी रास्ता थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है। इट सीम्स सब लोगों ने कोई स्लीपिंग पिल खा के सो रहा है। संजय इज अवेक, तू सो रहा था अभी, नाटक मत कर ठीक है। और ये तो लेफ्ट एंड राइट कर रहे हैं, काला चश्मा लगा के सो रहा है। तो चलते चलते हम लोग को फिर से ट्रैफिक मिल गया। ये देखिए फिर से जैम का लाइन स्टार्ट हो गया, दिस इज नॉट ए गुड साइन। हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हैं देवे प्रयाग देखने के लिए। वो दूर देख रहे हो वहाँ पे एक्चुअल देवे प्रयाग, त्रिजुगिनारा पहुँच पाएगा कि नहीं, भगवान भरोसा। इधर जेसीबी का खुदाई चल रहा है,
पीछे भी चल रहे हैं और पीछे लाइन देखो कितना दूर तक जैम अभी तक है. थर्ड छोड़ तो आगे और भी मिल सकता है, फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम. जस्ट वेट करो और गंगा का व्यू उठाओ. हम लोग अभी लंच के लिए रुके हैं एट होटल गिरधर. रुद्रप्रयाग हम लोग पहुँचने वाले थे ऑलमोस्ट टू आवर्स बिफोर, बट ये ट्रैफिक जाम की वजह से पूरा टाइम एकदम थोड़ा कैलकुलेशन में चौपट हो गया. तो देखते हैं अभी कब पहुँचते हैं त्रिजू की नारायण, आज पहुँच पाते हैं कि नहीं, वो भी एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. फीलिंग वेरी मच हंग्री? आज पहुंच पाते हैं कि नहीं, वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है. त्रिजू की नारायण पहुँचना तो चाहिए. सही बात है, पहुँच जाना तो चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है सब ऊपर वाले खाते हैं. लंच बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इन द मीन टाइम लेट्स हैव सम कप ऑफ टी. भाई चाय तो ठंडा हो जाएगा. नो चांस. आलू जीरा, आलू गोभी, पनीर. अरे पूरा मिक्स करके खा लो, ऐसा कुछ नहीं है. जल्दी से जल्दी खाना खत्म करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ. Literally we are just running out of time. चाप चाप तो अच्छा है. तो मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके लिया हूँ. जीरा राइस के साथ पांचों ही सब्जी मेरे को टेस्ट करना है. राइस थोड़ा क्वांटिटी कम दिया है, पर ठीक है चलेगा. अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा पोपट हो गया. हम लोग लंच कर रहे थे और ड्राइवर भाई साहब ने आके बोला कि उसके कोई रिलेटिव का आगे एक्सीडेंट हो गया है पहाड़ियों पर, उसको तुरंत से तुरंत अभी निकलना है. तो हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि बैकअप ड्राइवर के लिए कि लाइक कौन हम लोगों को नियरेस्ट पॉइंट लाइक गुप्तकाशी या सोनप्रयाग तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ यही है कल हम लोगों का केदारनाथ का परमिशन किया हुआ है. अगर थोड़ा बहुत भी लेट हुआ तो पूरा प्लान उसके बाद जो है पूरा मिस्ड अप हो सकता है, एंड वी डोंट वॉन्ट दैट एट एनी कॉस्ट. भाई हो जाएगा, चिंता मत कर भाई, हो जाएगा. घूम रहे हो तो उसके लिए प्लान भी आपको रेडी रखना ही पड़ेगा. वो लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं गाड़ी के लिए, थोड़ा बहुत तो महंगा पड़ेगा बट कुछ कर नहीं सकते. जो है वो तो हो गई. लेट्स सी. सो नाउ सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज, फॉर्चुनेटली वी गॉट ए अनदर बोलेरो कार्ड व्हिच विल ड्रॉप अस एट सोनप्रयाग विद इन टू नाइट. तो लाइक अभी पुराना जो गाड़ी था उसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि उसके घर में कुछ इमरजेंसी आ गया है एज आई मेंशनड, एंड वो हम लोगों को परसों पिक करेगा. अभी ये गाड़ी हम लोगों को 3500 में मिला. तो मैं काम करते हो, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ. सीधा आप लोगों से सोनप्रयाग में होटल में पहुँच के मिलते हैं. लाइक ऑलवेज आई बिलीव इन वन थिंग, जो होता है अच्छे के लिए होता है. वी आर रियली ब्लेस्ड दैट आवर लक वाज फेवरिंग अस टुडे. इन स्पाइट ऑफ लूजिंग 2 to 3 hours एट रुद्रप्रयाग, वी रीच्ड एट सोनप्रयाग एट अराउंड 8:30 इन द इवनिंग. जो रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ से केदारनाथ के लिए हम लोग कल स्टार्ट करेंगे. सो टुमारो इट्स रियली गोना बी ए हेक्टिक डे फॉर ऑल ऑफ अस. ये दो रूम मिला है ये रात गुजरने के लिए. लगेज का हालत देख रहे हो, कोई अनपैक नहीं कर रहा, सब वैसे के वैसा ही है. सो विद दैट सेड आज के लिए ब्लॉग को यही तक खत्म करते हैं. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पार्ट, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल द बॉन्ग वे फेयर टू गेट नोटिफाइड अबाउट आवर अपकमिंग केदारनाथ ब्लॉग. सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून.